हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं, क्लब फ्राइडे सीरीज में जितने भी स्टोरीज आए ना, उनमें से 80% ना सच्ची कहानियों पे बेस्ड होते हैं। मतलब उन्हीं को इन लोगों ने एज इन ड्रामा एडप्ट किया, तो शायद ये स्टोरी भी सच्ची हो सकती है। तो हम एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं तावान के पास्ट को, जहाँ पर तावान याद कर रहा था किस तरह से उसके मिडिल क्लास फैमिली होने के वजह से और पुअर होने की वजह से, और साथ में तावन थोड़ा सा वीक भी था, होता है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं, तो उसके फ्रेंड्स उसे बहुत ज़्यादा बुली किया करते थे, जिसके लिए यहाँ पर तावन अपने आप के लिए फाइट बैक कर भी नहीं पाता था। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है ये चीज़ ना तावन के साथ बहुत बार हुई थी, और साथ में जो उसका भाई था उसको ना उसने बहुत सारे लोगों के साथ पैसे लिया था, तो इसी चक्कर में वो पैसे लेने वाले लोन देने वाले लोग आके उसके भाई को मारते थे। ये सारी चीज़ें देखकर ना तावन बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता था और वो अकेले बैठ के बहुत ज़्यादा रोने लगता था। ये सारी चीज़ें उसके पास की थी, और ये सब देखने के बाद तावन बहुत डिप्रेस हो जाता था। और वो एक दिन देखता है कि जो टेक्वांडो क्लब है ना, वहाँ तक उसके जाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी, लेकिन एक दिन हद हो जाने के बाद वो उस क्लब पे जाता है, और उसके बाद वो बोलता है कि मुझे यहाँ पर मेंबरशिप लेनी है, अगर आप लोग चाहते हो तो अब यहाँ पर नया मेंबरशिप लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो तावान को मेंबरशिप मिल जाती है। उसके बाद से ही तावान ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कराने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, इस लाइक बोलते हैं ना सेल्फ डिफेंस के लिए, ताइक्वांडो सीखना स्टार्ट कर लिया था। और उसके बाद कुछ टाइम हो गया और वो बहुत अच्छा प्लेयर बन गया, और बाद में वो नेशनल भी खेलने लगा। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ये चीज़ दिखाया गया है, तावन ये सारी चीज़ें याद कर रहा होता है, और अभी प्रेजेंट में यहाँ पर नर्स आके उसे मेडिसिन देती है, और हमें पता चलता है कि तावन अब ठीक हो चुका है, कल वो वापस जाने वाला है। यहाँ पर तावन मोक वाले सेक्शन पे आता है और वो बोलता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। यहाँ पर मोक बोलते हैं कि मैं काम कर रही हूँ। तावन बोलता है मुझे सच्ची में बात करनी है, तो वो बोलते कि तुम्हें क्या बात करनी है बताओ। तो यहाँ पर वो उसे बोलता है कि मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी, तुम लोगों से इतना ज़्यादा भागते क्यों हो? तो क्या हुआ था ना, आपको तो याद है लास्ट टाइम प्रायन, मतलब जो तावन की कज़न थी, तावन की कज़न या बहन कुछ भी बोलो, और मोक की फ्रेंड, उसने बोला था कि जो मोक के वो लड़कों को बहुत ज़्यादा डॉम करती है, उनके आसपास जितने भी लड़के आते हैं ना, उनको लास्ट में तकलीफ ही मिलती है, तो उससे दूर रहो, ऐसा उसने बोला था। तो यही चीज़ें वो पूछ रहा होता है, मोक कुछ पूछे बोले इससे पहले यहाँ पर ना प्रायन आ जाती है, प्रायन मतलब तावन की कज़न, और यहाँ पर मोक अंदर चली जाती है। यहाँ पर प्रायन पूछती है कि तुम उसके साथ क्या बात कर रहे थे, वो कुछ भी नहीं बोलता। उसके बाद वो मोक के पास जाके पूछती है कि मेरा भाई तुम्हें ज़्यादा इरिटेट कर रहा है क्या? तो वो बोलती कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर वो बोलते कि प्लीज़ हाँ मेरे भाई से इरिटेट मत हो जाना, वो ऐसा ही है, उसे जो चीज़ ना करने के लिए बोलो वही करता है, और तुम दोनों थोड़ा दूर रहो तो ही अच्छा, ऐसा वो बोल देती है। मोक बोलते कि डोंट वरी, तुम्हें पता है मैं कैसी हूँ, और मुझे सब चीज़ों में कोई शौक नहीं है, ऐसा वो बोल देती है। और आप लोग ना ये मत बोलना गाइस कि मो के साथ जो भी है, जो भी उसका पास्ट है ना, उसके बारे में प्रायन को बहुत अच्छी तरह से पता है, इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि तावन उसके लाइफ में इन्वॉल्व हो जाए। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट वाला सीन, तावन अब थोड़ा थोड़ा करके अपने बलबूते पे खड़े होने के लिए ट्राई कर रहा होता है। वो घर पे आता है, घर पे आ जाने के बाद वो पहले तो अपना कुछ काम करता है, उसके बाद ना उसे पेन तो बहुत हो रहा था, लेकिन उसे ना अभी नेशनल सिलेक्शन के लिए जाना भी था, तो उसकी वजह से उसे किसी भी कीमत पे बहुत जल्दी रिकवरी भी करनी होती है। हमें दिखाया जाता है यहाँ पर तावन अपने पैर को ठीक करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन अभी भी वो सेंसेशन होता है ना, पैर उसने ज़मीन पर तो रख दिया लेकिन फील आ नहीं रही थी, जिसका मतलब ये था कि वो अभी भी प्रॉब्लम ठीक हुआ नहीं था। वो अपना फ़ोन निकालता है, फ़ोन पर उसकी कज़न प्रेन ने उसे बहुत ज़्यादा सुनाया होता है, उसका मैसेज था, वो पढ़ के वो हंसने लगता है, नॉर्मली भाई बहन लड़ाई करते हैं ना इसी तरह से उस मैसेज पे भी था। उसके बाद ना यहाँ पर तावान ना उसकी बहन का फेसबुक देखने लग जाता है, तो यहाँ पर वो देखता है कि मोक के साथ उसने एक फ़ोटो क्लिक करवाया था और वहाँ पर मोक को उसने टैग किया हुआ था। तो यहाँ पर तावान मोक के आईडी को देखता है और उसके बाद वो पूरा चेक करता है उसकी आईडी को, और उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता है। ये सोचती है कि शायद फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगी। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो वेट कर रहा था मोक को, अब मोक को दिखाया जाता है वो थकी हारी हुई से अपने रूम में आती है, और उसके बाद वो आके अपने फ़ोन पे नोटिफिकेशन बेल बजने की वजह से वो देखने लगती है।
यहाँ पर ना बहुत सारे मैसेजेस थे, साथ में फ्रेंड रिक्वेस्ट देखती है, फ्रेंड रिक्वेस्ट में तावन भी था। वो सोचती इसने मुझे क्यों फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, तो तभी उसका जो हमारा सेक्शन होता है ना मैसेज रिक्वेस्ट वाले सेक्शन, उस पर तावन हाई मैं हूँ ऐसा वो लेके भेजता है। वो देखती है, फिर से वो बोलता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो। वो बस देख ही रही होती है। उसके बाद फिर से तावन बोलता है कि मुझे अपने हेल्थ के बारे में बात करनी है, मुझे लग रहा है कि मेरा पेट ठीक नहीं होगा, प्लीज़ मुझे मेंटली सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ तुम तो नर्स हो ना, प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो, ऐसा वो मैसेज लिख रहा होता है। मुख वो सारी चीज़ें देख रही थी, फिर भी वो एक्सेप्ट कर नहीं रही थी। लेकिन यहाँ पर तावन ऑलमोस्ट 100 बार तक उसे प्लीज़ प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो ऐसा मैसेज रिक्वेस्ट में बस लिखे जा रहा होता है, लिखे जा रहा होता है। यहाँ पर मुख बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और इसके बाद यहाँ पर वो तावन का जो फ्रेंड रिक्वेस्ट है ना वो एक्सेप्ट कर देती है। लेकिन यहाँ पर जब वो मोक फ्रेंड को एक्सेप्ट करती है ना, तावान उसके बाद फौरन उसे कॉल कर लेता है। बंदा कुछ ज़्यादा ही फास्ट है। यहाँ पर मोक तो शॉक हो गई थी। मोक फ़ोन रिसीव करके बोलती कि तुमने मुझे कॉल क्यों किया, तुम्हें ऐसा क्या काम था। तो यहाँ पर तावन बोलता कि मुझे तुमसे कुछ एडवाइस लेनी थी, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। तावन बोलता है कि मुझे सच में तुमसे एडवाइस लेनी थी, एक्चुअली मुझे लग रहा है कि मेरा पैर प्रॉपरली ठीक नहीं होगा, तुम मुझे कुछ मेंटल सपोर्ट कर सकती हो। मोक बोलते कि तुम्हें डॉक्टर ने कुछ सजेशन किया नहीं क्या, जो मैं तो एक नर्स हूँ, मैं थोड़ी डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हें क्या सपोर्ट करूँगी मेंटली या फिजिकली वॉट एवर, ऐसा वो बोल रही होती है। तावन बोलता है कि फिर भी तुम ना मुझे हेल्प कर सकती हो, तो मुझे बताओ मैं क्या करूँ, मेरा पैर ठीक ना होगा तो मैं क्या करूँगा। ऐसा सुनने के बाद यहाँ पर मोक बोलते कि लाइफ में कभी कभी ऐसा नहीं होता कि जो हम सोच रहे होते हैं एग्जैक्ट वही हो, ऐसा भी हो सकता है जो हमने कभी एक्सपेक्ट किया ही ना हो, तो इसीलिए हमें हमेशा ना रिजल्ट के लिए रेडी रहना होता है, ताकि बाद में हम लोग ज़्यादा हार्ट ना हो। सच्चाई को एक्सेप्ट करो, जो होगा वो होना ही है, हम थोड़ी बदल सकते हैं। ये सुनने के बाद तावन बोलता है कि मैंने तो तुमसे मेंटल सपोर्ट के लिए एडवाइस मांगा था, तुम तो मुझे इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बोले जैसे कि अभी मैं मर जाऊँगा, क्या बात कर रही हो। यहाँ पर मोक बोलते हैं कि तुम बस इसीलिए मुझे कॉल कर रहे थे ना। एक बात याद रखना, कभी भी ना फॉल्स होप रखनी नहीं चाहिए अपने लाइफ में, जो होना है वो तो होता ही रहेगा, मैं तो बस इतना ही कहूँगी, ऐसा वो बोल देती है। और मोक का इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला नेचर तावन को और भी ज़्यादा पसंद आता है। मोक अपने कैलेंडर पे ये डेट देखती है तो उसे कुछ याद आता है कुछ साल पहले का, जहाँ पर वो एक नर्स थी, मतलब अभी भी वो नर्स है लेकिन वो अभी ड्यूटी पे थी। उसके फ़ोन पे बहुत सारे मिस कॉल्स थे ब्राइट नाम के लड़के का, वो बोलती कि मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगी। और वो उसके बाद घर पे जाती है और वो ब्राइट को रूम पे सोते हुए देखती है, और यहाँ पर अभी दिखाया नहीं कि ब्राइट कौन था। वो उसके पास जाती है और ब्राइट को उठाने की ट्राई कर रही होती है, लेकिन यहाँ पर ब्राइट उठता नहीं है। और हमें ये दिखाया जाता है कि उसकी डेथ हो चुकी थी। तो ये देखिए मोक शॉक हो गई थी। लेट्स कम टू प्रेजेंट। यहाँ पर मोक ये सारी चीज़ें याद करके बहुत ज़्यादा डिप्रेस होती है, बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, जैसे कि कोई बहुत बुरा सपना है जो मोक को बहुत ख़राब तरीके से हंट कर रहा है और उसे सुकून की सांसें लेने नहीं दे रहा है, हमें इस तरह से दिखाया गया है। तो ये था रात वाला सीन। नेक्स्ट डे मॉर्निंग दिखाया जाता है डॉक्टर वी, जिसको यहाँ पर नाना आके उसको इम्प्रेस करने की ट्राई कर रही होती है, लेकिन वी को अच्छी तरह से पता है वो मुख के लिए क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बोल देता है कि मुझे तुम पसंद नहीं हो और मुख के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना बंद करो। यहाँ पर नाना बोल रही होती कि मुझे लगता है वो नॉर्मल नहीं है, वो जब भी कोई पेशेंट देखती है ना मेल पेशेंट की डेथ तो वो बहुत पैनिक कर जाती है, मेरी बात समझो। लेकिन यहाँ पर वो बोलता है कि तुम जो भी बोल रहे हो ना, तुम नर्स होने के लायक तो हो नहीं, जिस तरह से लोगों को डिमोटिवेट करती हो, दूसरों से जलती हो, ऐसा वो बोल देता है। हमें यहाँ पर दिखा जाता है, तभी यहाँ पर फ्रैन आ जाती है फ्रैन डॉक्टर को बुलाने के लिए। उसके बाद हमें दिखा जाता है फ्रैन के फ़ोन पे कॉल आता है, ऑब्वियसली ये तावन का था। तावन यहाँ पर मोह के बारे में पूछ रहा होता है। यहाँ पर फ्रैन बोलती है कि तुम्हें मोह के बारे में क्यों जानना है, चुपचाप फ़ोन रखो, बोल के फ़ोन रखने के लिए बोलती है। नेक्स्ट दिन में यहाँ पर तावन अब थोड़ा थोड़ा करके रिकवर हो रहा था और यहाँ पर वो अपने क्लब पे आया हुआ था। यहाँ पर वो मोक को मैसेज कर रहा था, लेकिन मोक मैसेज का रिस्पॉन्स बिल्कुल भी कर नहीं रही थी। और वो जब वो उसे कॉल करता है तभी वो कॉल को भी रिजेक्ट कर रही होती है, उसे समझ नहीं आता इस लड़की के साथ क्या प्रॉब्लम है। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में यहाँ पर नाना अपनी एक फेसबुक म्यूचुअल फ्रेंड जो मोक की भी फ्रेंड थी ना उसके पास मिलने जाती है और वो पूछती है कि मोक के साथ क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि वो जब जब कोई मेल पेशेंट को देखती है ना डेथ मरते हुए तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाती है, उसे अटैक्स आने लगते हैं। यहाँ पर क्यों बोलती कि वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन तुम पूछ क्यों रही हो। यहाँ पर
वो बोलती है नाना कि मुझे लगता है उसके साथ कुछ तो हुआ है, प्लीज़ मुझे बताओ ना। तो यहाँ पर केहू बोलती कि वो इसलिए हो सकता है क्योंकि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी ना, इसी वजह से। यहाँ पर नाना बोलते कि क्या उसका हस्बैंड था? केहू बोलते कि हाँ उसके हस्बैंड था, मतलब उसकी जिस दिन शादी होने वाली थी उसी दिन उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। तुम्हें पता नहीं है क्या ये बात? हमारी फ्रेंड सर्कल में बहुत फेमस है और इसीलिए तो मुझको सब लोग अनलकी मानते हैं, क्योंकि वो जिससे भी प्यार करती है उसकी जान चली जाती है, ऐसा वो बोलने लग जाती है। साथ में हमें दिखाया जाता है एक फ्लैशबैक जहाँ पर मुझ 4 साल पहले वेडिंग ड्रेस में, यहाँ पर आपने फियंसी लवर वॉट एवर उसका वेट कर रहे होते हैं, लेकिन वो फ़ोन रिसीव कर नहीं रहा था, मैसेज का रिसीव कर नहीं रहा था। ये लोग बहुत परेशान थे, उसकी मॉम और वो, और इन लोगों को लग रहा था कि उसका जो लवर था मतलब वो भाग गया है। और यहाँ पर तभी उसकी मॉम आके बोलती कि प्लीज़ उसे कॉल करो बेटा, लेकिन यहाँ पर उसके नंबर पर कॉल करने के बाद फ़ोन पे कोई बता रहा होता है कि अच्छा वो आपने कॉल किया, ये जो जिसका फ़ोन है ना उसका बहुत ख़राब एक्सीडेंट हुआ है और हम लोग अभी उसे हॉस्पिटल पे ले जा रहे हैं, प्लीज़ आप लोग जल्दी आ जाइए, सब बोला जाता है। तो यहाँ पर मोक हॉस्पिटल पे जाती है, जिसके साथ भी उसकी शादी होने वाली थी उसका फेस अभी भी दिखाया नहीं है, मतलब पहले जो मर गया वो अलग था ये अलग था, और उसकी मौत हो गई थी। तो यहाँ पर केहू यही चीज़ें नाना को बता रही होती है, यहाँ पर उसे आइडिया हो जाता है कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम है। वो बोलती कि अगर सारे लोगों को पता चलेगा वो कितनी बदकिस्मत है तो लोग तो उससे भागेंगे, और उससे तो PTSD है, मतलब पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर ऐसा कुछ बोलते हैं ना, ऐसा वो बोलती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है तावान को, तावान लंगड़ाते हुए हॉस्पिटल पर आता है क्योंकि मोक उसका फ़ोन रिसीव नहीं कर रही थी, मैसेज कल कुछ भी। और यहाँ पर ओ मोक को ढूंढते जाता है और ओ मोक को बोलता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, यहाँ पर मोक रुक जाती है। तावान बोलता है कि तुम मेरा फ़ोन रिसीव कर नहीं रही हो और ना ही मैसेज का रिस्पॉन्स कर रही हो। यहाँ पर मोक बोलती कि तुमने कहा था कि तुम्हें मेंटल सजेशन चाहिए, मतलब मेंटल स्ट्रेस के कम करने के लिए मैंने तुम्हें सजेस्ट कर दिया, अब इसके बाद हमारे बीच में क्या बात करने रह गई है। तो यहाँ पर तावन को बुरा लगता है, वो बोलता है कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तुम ऐसा ही करते हो क्या, पहले कोई अगर तुम पे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो उससे रिस्पॉन्ड करो ना, तुम ऐसे क्यों दिखा रहे हो जैसे कि लोगों से तुम्हें भागना है। ये सुनने के बाद मुझको गुस्सा आता है और वो बोलती है कि अरे एटलीस्ट ये तो देखो ना हम किस जगह पे है, और अगर तुम्हें मेरे बारे में बुरा बोलना है तो कोई बात नहीं, मुझे कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन यहाँ पर हॉस्पिटल में इतना बकवास मत करो, ऐसा बोल देती है। यहाँ पर तावन बोला था कि नहीं मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तुम्हारे बारे में बुरा नहीं बोला था, लेकिन मुझे बस इतना जानना था कि तुम लोगों से इतना भागती क्यों हो, प्रॉब्लम क्या है, ऐसा वो पूछता है, जो तावन जाने के लिए बेकरार था जब से ब्रायन ने उसने बोला था। तो यहाँ पर मोक कुछ भी नहीं बोलती, बस वो बोलती कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता ना तब तक था जब तक तुम यहाँ के पेशेंट थे, मेरा काम था तुम्हारा ख्याल रखना तो मैंने रख लिया, अब तुम ठीक होकर जा चुकी हो, तो ये बार बार मेरे लाइफ में ना इसे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करना बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ, बोल देती है। और उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। यहाँ पर तावन बोलता है कि तुम एक बात भूलना मत, मैं एथलीट हूँ और मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानता, मैं फिर जाऊँगा, ऐसा वो बोल देता है। तो यहाँ पर ना मोक को ये सब सुनने के बाद ना बहुत गुस्सा आ रहा होता है। यहाँ पर हमारी नाना को दिखाया जाता है, वो मोक के प्रोफाइल पे स्टॉक कर रही होती है, उसके प्रोफाइल पे कुछ खास था नहीं, कुछ भी उसने पोस्ट किया नहीं था, उसकी शादी हुई थी फिर भी, मतलब शादी के दिन उसके हस्बैंड की डेथ हुई थी, तो उसे एक पोस्ट मिल जाता है जहाँ पर सॉरी वाला पोस्ट था मोक का, और नीचे RIP बहुत लोगों ने लिखा हुआ था। तो यहाँ पर जो नाना है ना वो उस पोस्ट की तरफ चली जाती है, तो वो तो शॉक हो गई थी। तो क्या था ना, 2018 में ड्रामा के हिसाब से एक लड़के की डेथ हुई थी अपनी गर्लफ्रेंड का पर्स बचाते हुए। तो हम चलते हैं फ्लैशबैक, यहाँ पर मोक जिससे प्यार करती थी ना, मतलब उसका बॉयफ्रेंड स्कूल टाइम व्हाटएवर, तो यहाँ पर वो उसे घर तक छोड़ने के लिए आया हुआ होता है, और वो उसका बॉयफ्रेंड टैन था और यहाँ पर उसे छोड़ के जाने वाला था, तभी यहाँ पर एक थीप आके उसका बैग छीन लेता है मोक का, मोक चिल्लाने लगती है, तो जो लड़का था वो आके उसका बैग छीनने वाला था, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड को तभी स्टैप किया गया था और उसकी मौत हो गई थी। तो यहाँ पर नाना को सब समझ में आता है। नेक्स्ट डे यहाँ पर मोक को वो बोलती कि मैं तुम्हारी पोल ना सारी दुनिया के सामने खोल दूंगी। तो यहाँ पर मोक बोलती कि तुम्हें क्या बोल रही हो, नाना बोलती है मुझे तुम्हारे बारे में पता चल चुका है मोक, तुम कितनी बदकिस्मत हो, तुम जिससे भी प्यार करती हो ना वो तुमसे दूर हो जाता है, तो तुम बेसिकली लड़कों की लाइफ के लिए पनौती हो। तो यहाँ पर ना नाना बहुत इंसल्टिंग वे में उसे बोल रही होती है। यहाँ पर मोक बोलते कि इन सब चीज़ों में अभी मेरे काम से क्या मतलब है, मतलब तुम मेरे पर्सनल मैटर में इतना इन्वॉल्व क्यों हो रही हो। नाना बोलते हैं क्योंकि
ये तो कन्फर्म हो जाए ना कि अगर तुम्हारे बारे में सबको पता चलेगा तो लोग तुमसे थोड़ा दूर भागे में यही चाहती हो। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो जाओ खुद ही बताओ या फिर मैं सबको बताऊंगी कि तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है और देखेंगे कि क्या होगा, तब भी तुम्हारे आस पास लोग मंडराते रहेंगे या फिर नहीं। स्पेशली ना नाना वी को बहुत पसंद करती थी, वी मोक पसंद करता था, इसीलिए वो इतना परेशान कर रही थी। यहाँ पर मोक को हमें दिखाया जाता है, मोक थोड़ा आगे जाती है तो यहाँ पर हॉस्पिटल में नाना हॉस्पिटल में सबको नाना ने ये बात फैला दी थी कि मोक के जितने भी बॉयफ्रेंड्स थे सबकी डेथ हो गई है। बेसिकली वो एक अनलकी गर्ल है और ये सारी चीज़ें सब लोग बोल रहे होते हैं। यहाँ पर तावन को दिखाया जाता है, वो अपना चेकअप के लिए आया हुआ होता है और उसका पैर अभी भी थोड़ा रिकवर तो कर रहा था लेकिन अभी वो गेम खेलने के लायक बना नहीं था और डॉक्टर भी वही बोल रहे थे। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है मोक एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन जा रही होती है, फिर भी वहाँ पर भी डॉक्टर्स नर्स बाकी इम्प्लॉय मतलब वो होता है ना सब लोग वही बोल रहे थे कि ये कितनी बदकिस्मत है, मतलब सबके लिए पनौती है। ये सब सुनने के बाद मोक को बहुत अजीब लग रहा था, उसे फिर से अटैक्स आने लग जाते हैं। यहाँ पर प्रैन और वी को पता चलता है कि मोक चिल्लाते हुए भागी है कहीं पे नीचे पार्किंग एरिया पे, वी भी उसके पीछे पीछे जाने के लिए निकल जाता है। यहाँ पर तावान ऐसे हॉस्पिटल से बाहर आने वाला था तभी यहाँ पर कुछ ऐसे नर्स और डॉक्टर यही बातें कर रहे थे कि पता नहीं क्या हुआ नर्स को मोक को, वो तो चिल्लाते हुए जा रहे थे पार्किंग एरिया पे। ये सुनने के बाद तावान चौंक हो जाता है, अब उसे पता नहीं क्या हुआ है लेकिन वो यहाँ पर आने के बाद भी मोक को ढूंढ रहा होता है लेकिन मिली नहीं थी। अभी पता चलता है मोक रोती हुई पार्किंग एरिया पे गई है तो वो भी उस एरिया के लिए निकल जाता है। हमें दिखाया जाता है मोक को, मोक यहाँ पर बहुत ज़्यादा रो रही थी, उसे सारी लोगों की बातें याद आ रही थी और वो बहुत ज़्यादा डर रही होती है, वो बस रोए जा रही थी। तभी एक हाथ उसकी तरफ आता है तो ये था तावान का हाथ। मोक तावान की तरफ देखती है, तावान उसे अपना हाथ दे रहा होता है। इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो गया। तो ये था क्लब फ्राइडे लव एंड बिलीव का एपिसोड नंबर 2 जो यहीं पर एंड हो जाता है। गाइज आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। और मैंने जैसे कि बोला है ये स्टोरी रियल लाइफ पे बेस्ड है तो ये कोई फ्रिक्शनल कहानी नहीं है, तो थोड़ा सा स्लो लग सकता है लेकिन जो भी हुआ है यहाँ पर एकदम प्रैक्टिकल वाली चीज़ें जो असली लाइफ में लोग अपने लाइफ में जैसे बुक करते हैं ऐसी स्टोरी यहाँ पर है। तो बताओ मुझे मोक की स्टोरी आपको कैसी लगी। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू।